हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन नंबर 9, मैडम राइड्स द बस, रिटन बाय वल्ली कन्नन। बच्चों, ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इस स्टोरी को शुरू करने से पहले ये पढ़ लेते हैं। बिफोर यू रीड इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इन टू द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ विलेज आल्सो आर इंडक्शन इन टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। शी सी द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सो बच्चों, ये एक 8 साल की बच्ची की कहानी है जो पहली बार बस की यात्रा करती है, और वो भी अकेले। तब उसको जो है दुनिया के बारे में पता चलता है, दुनिया के तमाम रहस्य के बारे में पता चलता है, लाइफ और डेथ के बारे में पता चलता है, और ये सब उसको कैसे पता चलता है, आइए स्टोरी में पढ़ते हैं। There was a girl named Valiya Mai who was called Valli for short। तो एक लड़की थी जिसका नाम वलिया माई था, लेकिन उसको वल्ली कहा जाता है। सी वाज 8 ईयर्स ओल्ड, उसकी एज कितनी थी बच्चों, 8 साल थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक होती थी। क्यूरियस मतलब होता है उत्सुकता होना, मतलब जानने की इच्छा करना। वो हर चीज़ जानना चाहती थी। हर फेवरेट पास्ट टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसका फेवरेट पास्ट टाइम क्या था, वो दिन भर क्या करती थी, दिन भर वो अपने घर के बाहर गेट पर खड़ी रहती थी और रोड पर आने जाने वाले लोगों को, बस और जो गाड़ियाँ आ जा रही हैं उसको वो देखती रहती थी। वॉचिंग वाट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, वो क्या देखती थी, बाहर रोड पर क्या हो रहा है, यही वो देखती रहती थी। देयर वर नो प्लेमेट्स अपर वन एज ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में कोई भी उसके दोस्त नहीं थे जिनके साथ वो खेल पाती। दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू, तो इसीलिए वो वहाँ खड़ी रहती थी गेट पर, और पूरा दिन वो यही सब देखती रहती थी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है बस से, क्योंकि इससे उसका टाइम पास हो जाता था, उसको अच्छा लगता था रोड पर देखते हुए। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम अदर चिल्ड्रन प्लेड। और इस तरह रोड की तरफ देखना, गेट पर खड़े होकर रोड को देखना, रोड पर आने जाने लोगों को देखना, ये भी एक तरह का वल्ली के लिए गेम ही था। वो बहुत देर तक उसको देखा करते थे। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, और इस तरह वो रोड देखते देखते उसको बहुत सारे अच्छे अनुभव भी मिले। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। तो सबसे ज़्यादा जो फैसिनेटिंग का मतलब जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी वल्ली को, वो था एक बस जो उसके मतलब टाउन से शहर तक, यानी पास वाले जो शहर है वहाँ तक जो बस चलती थी। ये बस जो है ईच आवर का मतलब हर एक घंटे पे निकलती थी। जैसे सिवनी वाला से होशंगाबाद की बस या हरदा की बस निकलती, वैसे ही हर एक घंटे पर यह बस निकलती थी। वंस गोइंग टू द टाउन द वंस कमिंग बैक, तो एक घंटे में वो बस जाती थी, उसके बाद वो वापस आती थी, जाकर तुरंत वापस भी आती थी, वही बस वापस आती थी जो जाती थी। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। और उस बस में चूँकि हर बार नए नए पैसेंजर होते थे, हर बार जो है नए लोग होते थे, वो बस जाती थी, फिर वहाँ से बस एक घंटे बाद वापस आती थी, ये सारा कुछ देखकर वल्ली बहुत खुश होती थी। डे आफ्टर डे सी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रो देयर। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। दिस विश बिकेम स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। वल्ली वुड स्टेयर विशफुल्ली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। Their faces were kindled in her longings, dreams and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen. उसकी इच्छा थी कि वो भी बस पर यात्रा करे। She wanted to ride on that bus. वो बस में यात्रा करना चाहती थी, ठीक है।
और ये इच्छा उसको धीरे धीरे स्ट्रांगर होती चली गई, स्ट्रांगर होती चली गई। ठीक है, वो देखती थी कि कैसे लोग बस के अंदर बैठते हैं, कैसे उतरते हैं। ठीक है, उसकी ये अब ड्रीम बन गया था कि वो बस की यात्रा करे। वो पता करती थी क्या मतलब किसी ने कभी बस की यात्रा किया है, उससे पता करते कि बस की यात्रा कैसे किया जाता है। वल्ली वुड टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। अगर कोई उसके सहेली अगर ऐसा बोल देती थी, कोई उसका फ्रेंड कि मैंने बस की यात्रा किया है, तो वो इंग्लिश में बोलती थी प्राउड प्राउड। Neither she nor her friend really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. ना तो वल्ली इसका मतलब जानती थी, ना ही उसके फ्रेंड समझते थे, लेकिन वो इतना जानते थे अगर ऐसा कोई बोले प्राउड प्राउड, इसका मतलब वो कोई ऐसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं जिसको वो पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो बोलता डिसअप्रूवल, ये स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल ऐसा माना जाता था। फॉर मेनी डेज एंड मंथ वल्ली लिसेंड केयरफुल्ली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, एंड सी ऑल्सो आस्क अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हियर एंड देयर। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। बस जर्नी की बहुत सारी डिटेल्स उसने इकट्ठा कर लिया धीरे धीरे। कौन कौन सी डिटेल अब आगे हम पढ़ते हैं, कौन कौन सी डिटेल उसने इकट्ठा कर लिया। द टाउन वॉज 6 miles फ्राम हर विलेज। हाँ, ये एक डिटेल इकट्ठा कर लिया कि बस जिस टाउन में जाती है उस टाउन की दूरी कितनी है। तो उसने दूरी कितनी है बच्चों, 6 miles। द फेयर वॉज 30 paise वन वे, और किराया कितना है, फेयर मीन्स किराया, किराया था 30 paise वन वे, एक तरफ का किराया 30 paise था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस मैन से, ऐसा एक जो है अच्छा ड्रेस पहने हुआ एक मैन ने ऐसा कहा कि किराया ज़्यादा नहीं है। हालांकि वल्ली के लिए तो ज़्यादा ही था, 30 paise भी ज़्यादा था, वल्ली कहाँ से लाती। लेकिन उस आदमी ने, चूँकि वो कपड़े अच्छे पहने, शायद वो अमीर होगा, तो उसने कहा कि ज़्यादा नहीं है। बट टू वल्ली वो इसका असली सा दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्च्यून। हाँ, देखो वल्ली के लिए जिसने कभी भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं देखे थे, उसके लिए एक तरह का ये फॉर्च्यून, एक तरह की किस्मत ही होगी अगर इतने पैसे वो इकट्ठा कर ले। द ट्रिप टू द टाउन took 45 minutes। उसने ये भी पता कर लिया कि वहाँ तक जाने में, मतलब शहर तक जाने में बस को कितना टाइम लगता है। देखो तो बच्चों 45 minutes लगते हैं। ऑन रीचिंग टाउन इफ सी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 paise सी को रिटर्न होम ऑन द सेम बस। उसने ये भी पता कर लिया कि अगर वो शहर में जाए तो 45 मिनट लगेगा, और उसके बाद वो वापस भी आ सकती है उसी बस से। अगर वो दोबारा 30 paise उस बस कंडक्टर को दे दे तो वापस भी उसी बस से आ सकती है। दिस मीन्स दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:40 एंड बी बैक बाय 2:45। अब उसने भी प्लानिंग किया, उसने सोचा कि अगर मैं 1 बजे वाली बस यहाँ पकड़ लूँ दोपहर की, तो शहर वो कितने बजे पहुँच जाएगी, 1:45 पर पहुँच जाएगी। ठीक है, फिर वहाँ 10-15 मिनट बस रुकेगी, उसके बाद वही बस वहाँ से वापस चल देगी। मान लेते हैं 1:45 पर वो बस वहाँ पहुँची और 2 बजे वो बस वहाँ से वापस आना शुरू होती है, तो यहाँ पर कितने बजे पहुँच जाएगी, 2:45 पर पहुँच जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड द एंड रिकैलकुलेटेड प्लान एंड रीप्लान्ड। तो इस चीज़ को उसके दिमाग में चलता रहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेगा और हम घूमकर आ सकते हैं, तो कैलकुलेट करती रहती थी। वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इन टू द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग स्टॉप द बस एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज कमांडिंगली। और इसी तरह जो है समय बीतता गया। एक दिन स्प्रिंग का मतलब अच्छा दिन, बसंत ऋतु का होता है, अच्छा दिन होता है।
तो एक इसी तरह मतलब बहुत अच्छा सुहावना दिन था, दोपहर का समय था। बस जो है बस स्टैंड से निकल चुकी थी और इसके घर के पास ही पहुंची थी कि जो है बस को किसी ने बहुत जोर आवाज़ से जो है क्या बोला, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। और एक छोटा सा हाथ जो है उसको आदेश दे रहा था कि बस को रोकिए। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर सेड हरी देन टेल हु वर इट इज टू कम क्विकली। तो कंडक्टर ने कहा जल्दी करो, किसको आना है, जल्दी आ जाए। कौन? तो कंडक्टर ने पूछा कौन है, जल्दी आ जाओ। इट्स मी, शाउटेड वल्ली। वल्ली ने कहा मैं हूँ, आई एम वन हु हैज़ टू गेट ऑन। वल्ली ने कहा मुझे मुझे इस बस में आना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर से ओ रियली, यू डोंट से सो, यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन। तो वल्ली नीचे ही खड़ी रही। वल्ली को, चूंकि वल्ली ने इससे पहले कभी कोई यात्रा नहीं किया था और वल्ली को कुछ नहीं मालूम था बस में कैसे बैठते हैं, और वो तो उसको नहीं मालूम था, तो कंडक्टर ने कहा कि तुमको ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आना चाहती हूँ। तो लेकिन वल्ली कहती कि मुझे जो है शहर जाना है और इसीलिए मैंने हाथ दिया है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, वल्ली अभी भी बस के बाहर ही खड़ी है, और बाहर से खड़े खड़े ही उसने कहा हियर इज माई मनी। कंडक्टर को वो पैसे देने लगे कि ये लीजिए, ये पैसे ले लीजिए और मुझे शहर जाना है। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने कॉइन कंडक्टर को दिखा दिया कि मेरे पास पैसे हैं, मैं शहर जाना चाहती हूँ। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा पहले आप बस में आ जाओ, फिर हम लोग बात करेंगे। एंड ही स्ट्रेट आउट ए हैंड टू हेल्प हर, फिर उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच लिया और इस तरह जो है वो बस के अंदर आ गई। नेवर माइंड सी सेड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। हाँ, तो यहाँ पर बच्चों ये हुआ कि जैसे ही कंडक्टर ने उसका हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश किया, उसने कहा नहीं, मैं अपने आप से आ सकती हूँ, मैं अपनी हेल्प कर सकती हूँ। द कंडक्टर वॉज ए जॉली शॉट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम। कंडक्टर बहुत ही अच्छा आदमी था। कंडक्टर ने कहा कि मैडम मेरे पर गुस्सा मत करिए। ही सेड हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, ये सीट खाली है, आप सीट पर बैठ जाइए। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम। और जो लोग खड़े थे उनके लिए कंडक्टर ने कहा कि सब लोग किनारे हो जाइए, मैडम के लिए रास्ता दीजिए। इट वॉज द सिलेक्ट टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर इन द बस। हालांकि उस बस में सिलेक्ट टाइम का मतलब होता है बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो सवारियाँ ज़्यादा नहीं निकल रही थी, ठीक है, तो क्योंकि ये दोपहर का समय था, दोपहर में सवारियाँ वैसे भी कम निकलती हैं, और तो बस में केवल 6 या 7 पैसेंजर थे। दे वर आल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, वो सारे पैसेंजर वल्ली की ओर देख रहे थे, कंडक्टर की ओर हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस अवॉइडिंग एवरी वन साइज, सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। वो जाती है और एक खाली सीट पर बैठ जाती है। मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क स्माइलिंगली। तो कंडक्टर ने कहा मैडम अब हम चलें। देन ही ब्लू ही विसल ट्वाइस, तो उसने 2 बार सीटी बजाई एंड बस मूव फॉरवर्ड विद द रोड, और इस तरह बस आगे बढ़ जाती है। इट वॉज ए न्यू बस, ये एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड, ये बाहर वाइट कलर की बस थी और जिसमें हरे रंग की स्ट्राइप्स थी, हरे रंग की पट्टी बनी हुई थी। इनसाइड द ओवरहेड बार्स सोन लाइक सिल्वर, और बस के अंदर जो ऊपर रॉड लगी होती जिसपे जो लोग खड़े होते हैं कई बार हाथ से पकड़ लेते हैं ताकि गिरे ना, वो सिल्वर कलर की थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड देयर वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक। वल्ली जहाँ बैठी हुई थी वो खिड़की के पास बैठी हुई थी और ड्राइवर के जस्ट पीछे बैठी थी, वहाँ पर एक घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, सीट बहुत ही अच्छी थी। वल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, डेवर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज का मतलब वल्ली हर एक चीज़ को अपनी आँखों से खूब घूर घूर कर देख रही थी, मतलब हर एक चीज़ वो देखना चाहती थी, इसलिए उसने सारी चीज़ें अच्छे से देखा। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यूज कट ऑफ बाई कैनवस, ब्लाइंड ऑफ दैट
कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। लेकिन चूंकि बल्ली बहुत छोटी थी तो जब उसने खिड़की बाहर देखना शुरू किया तब उसको पता लगा कि उसकी हाइट इतनी नहीं है कि खिड़की बाहर सही से देख पाए, क्योंकि उसका वो मतलब पूरा सही से नहीं देख पाती थी, क्योंकि वो जब सीट पर बैठती थी तो खिड़की के बाहर उसको साफ साफ बाहर नहीं दिखता था, क्योंकि उसका आधा हिस्सा कट जाता था, थोड़ा ही दिखता था। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। इसलिए वो खड़ी हो जाती है और खड़े खड़े जो है वो बाहर का सीन देखने लगती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कनाल, द रोड वॉज वेरी नैरो। तो अब बस जो है एक नाले के ऊपर से निकल रही थी और यहाँ पर रोड बहुत ही सकरी थी, बहुत ही नैरो थी। ऑन वन साइड दियर वाज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज ग्रास लैंड डिस्टेंट माउंटेंस एंड द ब्लू ब्लू स्काई। एक तरफ तो यहाँ पर कैनाल था और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर पाम ट्रीज लगे हुए थे, ग्रास लगी हुई थी और दूर से पहाड़ियाँ भी दिख रही थी, जो नीला नीला आसमान भी दिख रहा था। ऑन द अदर साइड वाज अ डीप डिच, और दूसरी तरफ जो है एक गहरा डिच था, एक नाला था। देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, उसके बाद कई एकड़ जो है हरे खेत थे, ग्रीन 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 आइज फार एज द आइज कुड सी, जहाँ तक आंखें देख सकती हैं हर तरफ हरे हरे खेत थे। ओ इट वॉज सो वंडरफुल, बोले ने कहा कितना अच्छा लग रहा है। सडनली सी वाज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, तभी जो है उसने एक आवाज़ सुनी। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दिस, सिट डाउन। किसी ने कहा कि देखो बच्चे तुम इस तरह खड़े मत रहो, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर बट सी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन। तो उसने देखा कि कौन ऐसा बोला, तो उसको पता चला कि एक बड़े कोई अंकल जी थे, ठीक है, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने ऐसा बोला था। शायद वो वल्ली की को लेकर थोड़ा चिंतित थे तो उसने कहा बेटा बैठ जाओ, लेकिन वल्ली को इससे बड़ी गुस्सा आई। वल्ली नहीं चाहती थी कि उसके ऊपर कोई ध्यान दे, वो जो मन हो करती रहे। देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, सी सेड हॉटली, उसने कहा यहाँ कोई बच्चा नहीं है। हॉटली का मतलब घमंड से, कहा हॉटली मतलब होता है घमंड से, प्राउडली। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, उसने कहा, वल्ली ने कहा कि देखो मैंने भी 30 पैसे दिए हैं जैसे यहाँ पर सारे लोगों ने दिया है। द कंडक्टर चाइम्ड इन, तो कंडक्टर जो है थोड़ा मजाक में कहता है, ओ सर बट दिस इज अ वेरी पुअर ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन। कहते सर ये मैडम जो है अपना ख्याल रख सकती हैं, और आपने कभी सोचा है कि कोई लड़की जो है अपना किराया देकर पूरे शहर में अकेले घूम सकती है इस तरह। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड, वल्ली को गुस्सा आ जाती कंडक्टर पर, वो कंडक्टर की ओर घूर के देखती है और कहती है आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेंबर दैट, ये याद रखिए। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, तुमने अभी तक मेरा टिकट भी नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर द कंडक्टर सेड, कंडक्टर का मैं याद रखूँगा आपकी बातें। मिमिकिंग हर टोन, और जिस तरह जिस टोन में वल्ली ने बोला था उसी टोन में कंडक्टर ने बोला, उसके टोन को मिमिक किया, क्योंकि वल्ली की आवाज़ बहुत पतली थी, वो चूँकि एक छोटी बच्ची थी, तो उसी तरीके से कंडक्टर ने मिमिक्री करना, मतलब उसके कॉपी करना, उसी के टोन को कॉपी करना। और जब इसने ऐसा किया उसी के टोन में बोला तो एवरी वन लॉफ्ड, सारे लोग हंसने लगे। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइंट इन द लाफ्टर, जब सारे लोग हंसने लगे तो वल्ली को भी हंसी आ गई, वल्ली भी हंसने लगी। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया और वल्ली को दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कहा कि आप पीछे बैठ जाओ और अपने बिल्कुल कंफर्टेबल रहिए। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू आर पेड फॉर अ सीट, कंडक्टर ये भी कहते जब आपको सीट मिल गई है तो आप खड़ी क्यों हैं, आप बैठ जाइए। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आंसर्ड, उसने कहा क्योंकि मुझे खड़ा होना है इसलिए मैं खड़ा हूँ, मुझे मतलब मैं चाहती हूँ खड़े होना इसलिए मैं खड़ी हूँ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, कंडक्टर कहता है लेकिन अगर आप अपनी सीट पर खड़ी रहोगे तो आपको आप गिर सकती है, आपको चोट लग सकती है, जब भी बस जो है अचानक से मुड़ेगी या कोई जो ब्रेकर आएगा तब। दैट इज़ वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड,
इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, सी सेड इरिटेबली, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, मेरी उम्र 8 साल है। अफकोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 ईयर्स, ओके। तो कंडक्टर कहता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बच्ची नहीं हो, आपकी उम्र 8 साल है, आप बड़ी हो चुकी हो, बिल्कुल। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर गॉट इन, एक जगह बस रुकती है, कुछ नए पैसेंजर भी बस में आ जाते हैं। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और उन पैसेंजर का टिकट बनाने में कंडक्टर बिजी हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन, वल्ली को लगा कि अगर वो खड़ी रहेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसकी सीट पर बैठ जाए, इसलिए वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। एंड एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर, एक एल्डरली वुमन यानी कि बड़े उम्र की एक आंटी आती हैं, वो उसके बगल में बैठ जाती हैं। आर यू आर एलोन डियर, वो पूछते हैं कि क्या तुम अकेली हो। शी आस्क वल्ली एट द बस स्टार्टेड अगेन, वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वल्ली को औरत पसंद नहीं आती। वल्ली को कोई भी पसंद नहीं आता जो वल्ली से बात करना चाहता है या वल्ली को, वल्ली के बारे में जानना चाहता है, इसलिए वो औरत भी उसको पसंद नहीं आई। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन देम, उसने जो कान में पहन रखा था वो बहुत बड़े ईयर रिंग थे, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे उसके चेहरे पर। एंड सी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वॉज च्यूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। और बीटल नट्स क्या होता है, पान, पान के साथ जो सुपारी खाई जाती है उसकी महक आ रही थी, वो अपने मुंह में शायद वो चबा भी रही थी और उसके मुंह से ऐसा लग रहा था कि अभी टपक जाएगा, अभी गिर जाएगा, जो वो मुंह में बीटल नट्स यानी पान और सुपारी जो चबा रही थी। वो कुड बी सोशेबल विद सच ए पर्सन, उसने कहा ऐसी औरत से कौन सोशेबल होगा, कौन बातचीत करेगा। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, फिर भी उसने बता दिया कि हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। सी आंसर कटली, कटली का मतलब होता है बिना ज़्यादा भाव दिए बस केवल आंसर दे दिया, कटली, कटली का मतलब केवल आंसर दे देना बस। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, वल्ली ने यह भी बताया कि मेरे पास इसका टिकट है। यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विद 30 पैसे टिकट, हाँ वो अपने टाउन जा रही है और उसका 30 पैसे का टिकट लिया है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वल्ली। तो चूँकि कंडक्टर ने ऐसा बोला तो वल्ली ने कहा कि कंडक्टर साहब आप अपने काम से काम रखिए। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, कंडक्टर ये देखकर हंसने लगता है, वल्ली भी हंसने लगती है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्रिवल, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन ट्रेवल अलोन, लेकिन वो जो औरत उसके बगल में बैठी थी वो फिर बात करने शुरू करती है, वो कहती है कि क्या इतनी कम उम्र में यात्रा करना इस तरह सही है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुमको पता है कि शहर में तुमको कहाँ जाना है। व्हाट स्ट्रीट, क्या किस गली में जाना है ये आपको पता है। हाउस नंबर पता है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, तो वल्ली कहती है तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। वल्ली से टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टैंडिंग स्टेयरिंग आउट, वल्ली फिर खिड़की की ओर देखने लगती है बाहर। ओके बच्चों, आज इतना ही।